गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोरिलेशन रिग्रेशन से शुरुआत करते हैं रिवीजन का। जो आपका पूरा इतना बड़ा भारी ब्रह्मांड करके बुक था उसको मैंने चार पेज में सम अप कर दिया है। क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन अपने आप में ये दो पार्ट थे, एक था कोरिलेशन दूसरा था रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या था, वॉट वॉज कोरिलेशन, उसके अंदर अपन आर ढूंढते थे, याद है? आपको दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे, आपको कितने वेरिएबल्स दिए रहेंगे, दो। दो वेरिएबल्स के बीच में का रिश्ता अपने को ढूंढना है, तो कोरिलेशन इज बेसिकली ये रिश्ता क्या कहलाता है, याद है तुमको? कोरिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस इसमें अक्षरा नहीं है। ठीक है, अक्षरा पता है तुमको, मेरी मम्मी बड़ी दीवानी थी उसकी, मेरे को बड़ी चीड़ आती है उससे। ठीक है, तो कोरिलेशन में अपने को ढूंढना है, दो वेरिएबल्स रहेंगे उनके बीच का रिश्ता। अब ऑब्वियसली दो वेरिएबल रहेंगे तो दोनों का नाम क्या देंगे, एक का एक दूसरे का वाई। तो आपको क्या क्या दिया रहेगा पहले ये समझो, पूरा इसका एक बार अपन रोड मैप देखते हैं, फिर जाके अंदर के फॉर्मूले जो पढ़ने हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, एक एक्स की टर्म्स दी रहेंगी, एक वाई की टर्म्स दी रहेंगी, ऑब्वियसली उनका कुछ कुछ निकालना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, वो सारी चीजें अपने को निकालनी रहेगी। उससे अपन निकालेंगे आर, क्या निकालने वाले अपन, अपन निकालने वाले आर। आर क्या होता है, वॉट इज आर, आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये आर की वैल्यू से अपने को पता चलता है कि भैया कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो कोरिलेशन के कितने चार मेथड्स थी अपने को याद है, एक था स्कैटर डायग्राम, दूसरा था कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, आया ना, तीसरा क्या था रैंक कोरिलेशन, और चौथा क्या था कॉन्करेंट डेविएशन, जिसमें अपन 2c माइनस m निकालते थे, याद है तुमको? नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं। ठीक है, चार मेथड्स थी बेसिकली कोरिलेशन निकालने की। पहला था स्कैटर्ड डायग्राम, दूसरा था कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, तीसरा था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन को छोड़ दो, चौथा कॉन्करेंट डेविएशन। ये चार चीजें थी, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। अब कोरिलेशन से अपन दो चीजें पता कर सकते हैं, एक कोरिलेशन है या नहीं है, कोरिलेशन है या नहीं है, ये एक चीज, और दूसरा है तो कितना है, है तो कितना है। दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे आपको, एक एक्स एक वाई। ठीक है, उसमें आपको पता करना रहेगा कि भैया कितना रिलेशन है, दोनों में कितना रिलेशन है। तो कोरिलेशन की दो चीजें होती है बेसिकली, एक तो ये जानना कि रिलेशन है या नहीं है, मतलब डिग्री, डिग्री समझना कि कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू पॉजिटिव आया। निगेटिव कोरिलेशन मतलब आर का वैल्यू निगेटिव आया, ये तो सारे शहर को पता है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, बराबर है। निगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई बढ़ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। ठीक है, चलो ओके। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे डिनोट करते हैं इसको, आर से। ठीक है, इट मेजर्स द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, एंड द एक्सटेंट, कितना है, माइनस वन है या प्लस वन है। प्लस वन रहा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, प्लस वन रहा तो क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस वन रहा तो परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन, बराबर है, अमॉन्ग्स टू वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, किसी का कोरिलेशन माइनस टेन रह सकता है क्या, नहीं, माइनस वन मतलब परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड है वो, डन है भैया? यस, तो दो चीजें अभी तक देखी अपन ने कि भैया एक तो डायरेक्शन देखेंगे, दूसरा एक्सटेंट देखेंगे। डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दूसरा आर का वैल्यू देखेंगे, माइनस वन है प्लस वन है, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यहां बताया भाई मैंने, पॉजिटिव है निगेटिव है अनकोरिलेटेड। पॉजिटिव मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। बहुत सारे लोग क्या समझते पता है, अगर x कम हो रहा है और y भी कम हो रहा तो सर दोनों कम हो रहे हैं ना, तो निगेटिव कोरिलेशन है। अबे भागो यहां से, अपने को उनकी क्वांटिटी नहीं देखनी है, अपने को देखना है दोनों का रिश्ता क्या है। दोनों बढ़ रहे एक साथ तो पॉजिटिव है, दोनों कम भी हो रहे तो भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। एम आई क्लियर? यस। एग्जाम्पल हाइट एंड वेट, जैसे जैसे लोग की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट बढ़ता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, हाँ कुछ लोग गिड्ढे रहते हैं, हाइट तो बढ़ नहीं रही है, फुले जा रहे हैं। ठीक है, यील्ड एंड रेनफॉल मतलब जितना ज्यादा बारिश आएगा उतना ज्यादा यील्ड होगा, एक लेवल तक सही है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो बहुत ज्यादा यील्ड होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा,
अगेन एक लेवल तक सही है, बट है तो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड। निगेटिव कोरिलेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। जैसे आपका क्लास में ध्यान देना और आपके मार्क्स, जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतने कम मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं, नहीं ये दोनों कोरिलेटेड है, ठीक है। जितनी ज्यादा मस्ती आप क्लास में करोगे उतने कम मार्क्स आएंगे, तो मस्ती और मार्क्स क्या है, निगेटिवली कोरिलेटेड। मस्ती बढ़ी मार्क्स कम हुए, मस्ती कम हुई मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे, प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स, जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतने ज्यादा क्लेम्स होंगे इंश्योरेंस के, आना उतने ज्यादा क्लेम हुए तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस, अरे उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना लोगों को, तो लॉस होगा, समझे क्या। तो 1000 लोग को इंश्योरेंस बेचा एक कंपनी ने, सारे के सारे 1000 लोगों ने अपनी गाड़ियां ठोक दी, कंपनी को क्या बचा, कुछ नहीं, सबको पैसे देने पड़े। तो जितने कम क्लेम्स रहेंगे उतना ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट रहेगा। अनकोरिलेटेड मतलब दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तू तेरे घर का, मैं मेरे घर का, ठीक है। अनकोरिलेटेड जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस, ये सुना है आपने कि भैया जितना ज्यादा लंबा बड़ा पाव है आपका उतना ज्यादा दिमाग रहता है, मतलब काय का कुछ भी, मतलब कुछ भी बचपन में बेवकूफ बनाते थे ऐसी बहुत सारी चीजों से। बिल्ली काटना और अपशगुन होना, ये कोई कोरिलेशन है, ये नॉनसेंस कोरिलेशन है, स्प्यूरियस कोरिलेशन है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्यूरियस कोरिलेशन, वो बाद में आएगा, वो थ्योरी के लिए काम का है, अपन बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली कोरिलेशन में मेरे को दो चीजें समझ में आई अभी तक, ठीक है। कोरिलेशन में मेरे को दो चीजें समझ में आई, एक तो भैया ये जो R की वैल्यू है ये अपने को ढूंढनी है कोरिलेशन में, ठीक है। R की वैल्यू को अपने को ढूंढना है, अपने को क्या ढूंढना है कोरिलेशन में, वैल्यू ऑफ R ढूंढना है, ठीक है। अरे एक मिनट दे दो, अपने को क्या ढूंढना है, वैल्यू ऑफ R, जितना। अब R से दो चीजें समझ में आती है, ठीक है, एक तो डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में, और दूसरा क्या उसका एक्सटेंट है, ठीक है। अपने को चार चीजें देखनी है, पहला क्या है, स्कैटर डायग्राम, पहला क्या है, स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट MOMENT, मोमेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, रैंक कोरिलेशन, और चौथा क्या है, कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों ने एक बार पहले ये चैप्टर पढ़े हुआ है, ठीक है। चारों चीजें, चारों पे ध्यान देते हैं, मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूले पढ़ेंगे पर एक बार इसको डीप में समझ लेते हैं। स्कैटर डायग्राम से क्या पता चलता है, अच्छा ये चारों का क्या फाइंड करना है अपने को, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब R, ठीक है। अब ये R से हमको समझ में आएगा कि भैया इनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है। R की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव कोरिलेशन, R की वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं। निगेटिव मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है पहला बढ़ रहा है, समझे, ठीक है। तो ये चार टाइप की मेथड से आपको, पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है प्रोडक्ट मोमेंट, तीसरा है रैंक, और चौथा है कॉन्करेंट। ये चार सबको पता है, ये याद है ना, कुछ धुंधला धुंधला तो याद होगा। हाँ, स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, इसमें अपन आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते, स्कैटर डायग्राम में अपन आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो ये है स्कैटर डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर। स्कैटर डायग्राम में अपने को सिर्फ डायग्राम दी भी रहती है, इससे अपन आर का वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब अपन ये नहीं बता सकते कि कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन कितना है ये बता नहीं सकते अपन। क्वांटिटी या एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम से बता नहीं सकते, अपन सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, क्या परफेक्टली पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो कोरिलेशन है। स्कैटर डायग्राम से आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बता सकते, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं। कभी आपने देखा है, या अपन ने इतने क्वेश्चंस करे, कभी अपन ने ये देखा क्या कि स्कैटर डायग्राम से अपन ने आर की वैल्यू निकाली, नहीं। तो स्कैटर डायग्राम कैसे दिखती है सर, ये ऐसे दिखती है, ये डायग्राम देखो, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है सेम डायरेक्शन में, और एक की लाइन पे है, सारे के सारे पॉइंट्स देखो एक ही लाइन पे है, तो इसको बोलेंगे R = 1, मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं सब पर ऐसे बिखरे बिखरे हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है बट हाईली पॉजिटिव है, एकदम बिखरा नहीं है। और ये तीसरा देखो, ये ऊपर ऊपर जा रही लाइन है पर एकदम बिखरे बिखरे हुए है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोरिलेशन पॉजिटिव तो है पर लो पॉजिटिव। ये आर की वैल्यू आपको सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, आर की वैल्यू आप स्कैटर डायग्राम से नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है,
एकदम एक सेम लाइन में परफेक्टली पॉजिटिव, थोड़ा इधर उधर इधर उधर उधर के हाईली पॉजिटिव और एकदम ही बिखर बिखर के पर ऊपर ही जा रहा है, ये चौथा नो कोरिलेशन, बिखरा हुआ है, कोई कोरिलेशन नहीं है। इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है ऐसा, देखो ऐसा जा रहा पॉजिटिव, ऐसा जा रहा निगेटिव, ये देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, एकदम लाइन में ऐसे जा रहा है तो परफेक्टली निगेटिव। अब ऐसा जा रहा मतलब देखो ना, ऊपर से नीचे आ रहा है ये, ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है, ये है परफेक्टली निगेटिव। अब ऊपर से नीचे आ रहा मतलब क्या है, यहां देखो ना कोई भी पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट देख लो, एक की वैल्यू सबसे ज्यादा है, दूसरे की वैल्यू सबसे कम है। अब सेकंड में एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई एक्सिस की वैल्यू खत्म कम हो रही है, समझ रहे हो बात को? हाँ, ओके। तो स्कैटर डायग्राम के बारे में थ्योरी क्या क्या है? स्कैटर डायग्राम ये सिंपलेस्ट वे है काय के लिए, बाइवेरिएट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स वाला डेटा। प्लस एक और चीज याद रखना कि सिर्फ स्कैटर डायग्राम से आप नॉन लीनियर कोरिलेशंस या नॉन लीनियर वेरिएशंस रिलेशंस निकाल सकते हो, बाकी सारे जो तीनों फॉर्मूले है ना अपने, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डिविएशन, वो सारे लीनियर के लिए है। सिर्फ स्कैटर्ड डायग्राम में आप कर्वीलीनियर क्या कर्वीलीनियर के वेरिएबल्स का आप निकाल सकते हो। कर्वीलीनियर मतलब जो लीनियर नहीं है, ठीक है, ओके। एक आई के लिए आता है, ये आता है थ्योरी में, ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम पूरा थ्योरी में क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम बनाने नहीं बोलेंगे। कर्वीलीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, आर इज इक्वल टू जीरो अगर प्लॉटेड पॉइंट्स कांस्टेंट रेशियो में नहीं है, कैसे भी किधर भी डाल रखे हैं तो उसको कर्वीलीनियर बोलते हैं, उसमें आर इज इक्वल टू जीरो रहता है, जैसे यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये एक लाइन में है क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, किधर भी डाल रहा है, जिधर बनाया हुआ है, तो कोई कोरिलेशन नहीं है। स्कैटर डायग्राम पढ़ा, स्कैटर डायग्राम के बारे में क्या क्या चीजें हमको पता चली है, स्कैटर डायग्राम के बारे में हमको क्या क्या चीजें पता चली बताइए। पहली चीज स्कैटर डायग्राम, एक मिनट ऑनलाइन वाली जनता एक मेरे को ये खत्म करने दो, फिर मैं आपके सवाल के जवाब देता हूं, ठीक है। स्कैटर डायग्राम से हमको पहली चीज ये पता चली कि डायग्राम बनानी नहीं पड़ती एग्जाम में। दूसरा, गलती से अगर कभी डायग्राम दे दिया तो आपको पूछेंगे बताओ कोरिलेशन कैसा है, कोरिलेशन का टाइप पूछेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं पूछ सकते, आर की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते स्कैटर डायग्राम से, मतलब हम एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बता सकते, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बता सकते, वी कैन ओनली टेल द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन यूजिंग स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक अकेली ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कर्वीलीनियर कोएफिशिएंट को भी चला लेते हो, ठीक है, बाकी सारे लीनियर के लिए काम आते हैं। स्कैटर डायग्राम लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर के लिए भी काम आता है, डन है, ओके। उसके बाद अगर लेफ्ट से राइट ऊपर जा रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसा नीचे आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है मतलब क्या, अरे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो वो हो गया परफेक्टली, अब वो पॉजिटिव हो गया। अब सेम लाइन पे बढ़ रहा है तो परफेक्टली पॉजिटिव, सेम लाइन पे नहीं बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है बट परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। यहां पे मैंने आपको छह डायग्राम्स दे रखी है, बुक के अंदर चार ही डायग्राम है, ये हाईली पॉजिटिव और लो पॉजिटिव मिला के एक ही बोले हुआ है पॉजिटिव है, ठीक है। अपन ने जो मेन कोर्स में पढ़ा था तो उसमें दो चार ही डायग्राम थी, मैंने यहां पे थोड़ी और अच्छे से दे दिया आपको दिमाग में घुसाने के लिए, ओके, डन है भैया, ओके। दूसरा आता है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसके अभी तक की जितनी थ्योरी थी खत्म हो गई, आगे सारा प्रैक्टिकल के काम का है, ठीक है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फॉर्मूला याद है तुमका, ये बहुत गंदा फॉर्मूला है, ठीक है, देख के ही गंदा लगता है, बहुत चिल्लर है पर ये, ठीक है, मतलब 90% लोग कोरिलेशन रिग्रेशन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना भैया तो आपका काम बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, दिमाग फ्रीज में रखो, फॉर्मूला लगाओ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता दूं आपको कैसे करेंगे, पहली बात तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है, तो उसका डेफिनेशन है कोवरायंस, रेशियो ऑफ कोवरायंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो लिखा है क्या, इट इज डिफाइंड एज कोवरायंस बिटवीन रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब ऑब्वियसली डिविजन, हाँ या ना, ये थ्योरी में आता है, इसके एमसीक्यू देखे होंगे आपने, ये थ्योरी में आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखना नहीं है पर डेफिनेशन थ्योरी में आता है इसलिए पागल कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, रेशियो है, रेशियो मतलब ए अपॉन बी, मतलब एक चीज अपॉन दूसरी चीज, ऊपर में क्या रहेगा कोवरायंस बिटवीन टू वेरिएबल, ऊपर क्या रहेगा कोवरायंस बिटवीन टू वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं कोवरायंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है,
टू, टू मतलब डिवाइड में, क्या प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये बन गया उसका फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला थोड़ा इज्जत वाला है, ये फॉर्मूला डेफिनेशन से बना है, ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से बना है, डेफिनेशन से, क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स, बराबर है, इतना सिंपल है भैया, कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और डेफिनेशन भी याद हो जाएंगे, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है तुमको, कल ही बताया मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अच्छा सर अपन ने तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला निकाले, एक्स का तो निकाले नहीं, अरे उसमें जहां एक्स लेते वहां वाई डाल देना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और एक और फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या रहेगा, वाओ वाओ वाओ, क्या पूछा सर आपने, ऊपर वाले में एक्स के जगह वाई डाल दो, अंडर रूट वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है भैया, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दूसरा फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है बताओ, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, और नीचे वाला अगर आपको याद होगा तो जैसा एक्स का है वैसा ही कॉपी पेस्ट वाई का है, आया ना, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, देखो दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज करे, वो फॉर्मूला ये कब यूज करे, मन में गुदगुद हो रही होंगी, मतलब आपके इसमें तो नहीं है, ऑनलाइन में भैया ठंड पाओ थोड़ा, ठीक है, एक बाबू क्या पूछता है सर प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाऊंगे क्या, हाँ भाई पूरा करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठंड पाओ थोड़ा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, अच्छा फॉर्मूला छोड़ दो, पहले फॉर्मूले को छोड़ दो, मैंने आपको बताया था कोरिलेशन दो चीजों का निकलता है, मेरा अपने आप से रिलेशन होता है क्या, नॉनसेंस, तो एक एक्स की वैल्यू दिख रही है आपको, एक वाई की दिख रही है, मतलब एक्स की बहुत सारी वैल्यूज दिए वाई की बहुत सारी वैल्यूज दिए, आना उसके हिसाब से ध्यान में रखो, एन एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, काई की एक्स और वाई दोनों मिला के, एक्स की या वाई की, एक्स में सात आइटम्स दिए वाई में सात आइटम्स दिए, तो आप एन को चौदह लोगे सात लोगे, सात लेंगे सर, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है ना, मतलब एक्स में सेवन टर्म्स है और वाई में सेवन टर्म्स है, तो कुछ कुछ झंडू वाम बोलते हैं सात और सात चौदह टर्म्स हो गई, आपको याद होगा एक बच्चे ने क्लास में गलती भी करी थी, नहीं नहीं नहीं, एक्स की वैल्यूज ले लो, मतलब एक्स की नंबर ऑफ टर्म्स या वाई के नंबर ऑफ टर्म्स, वो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको दिख रहा होगा एक एक्स का टेबल दिए हुआ है, एक वाई का टेबल दिए हुआ है, तीसरा टेबल अपन बनाएंगे एक्स वाई का, ठीक है, ओके, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, तो एक्स का पूरा टोटल नीचे, वाई का पूरा टोटल नीचे, ऊपर वाली चीज आ गई, बराबर है, नीचे डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे, किधर गया भाई, ठीक है, आर इज इक्वल टू एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट में एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये एक चीज, ठीक है, और दूसरी सेम टू सेम यही चीज कॉपी करो और पेस्ट कर दो, सिर्फ एक्स के जगह पे वाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है, कहां से लाए सर ये, पूछना छोड़ दो, सोचना भी मत मन में, ठीक है, तो सर मैराथन है तो फॉर्मूले तो याद होंगे, मतलब पागल होके किसको याद रहते हैं, लिखो इसको, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है उसकी लंका लग गई है,
ठीक है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बोलना मत कि कोरिलेशन हार्ड है, आपने फॉर्मूला याद नहीं करा तो मैं क्या करूं, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ता, वैसे आपको पता है मैं बहुत कोई फैन नहीं हूं फॉर्मूला याद करवाने का, बट जो करना है वो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। खाना खाना पड़ता तो खाते ही ना अपन, तो ये याद करना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, पांच बार बोलेंगे, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ठीक है। चलो मैं आपके स्पीड से बोलता हूँ, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन ऑफ वाई, ऊपर ऊपर का बोलेंगे नीचे नीचे का बोलेंगे, ठीक है। एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। नीचे क्या, नीचे का एक ही याद रखना है, अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नहीं नहीं, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाई का, एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, डन है भैया। यहां तक किसी बच्चे को आपत्ति है नहीं, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब ये दे रखा है मैंने फॉर्मूला, अब सर ये स्टैंडर्ड डिवीजन का तो मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यहां पे भी दे रखा है आपके लिए, अगर किसी को पहले चैप्टर से याद नहीं है तो। दोनों फॉर्मूले सेम है, कोवेरियंस का फॉर्मूला बता दीजिए, कोवेरियंस क्या होता है, बड़ा सिंपल है, कोवेरियंस समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। कोवेरियंस के भी दो फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर टू, ठीक है। ये फॉर्मूले को बाद में चर्चा करते हैं इस पे, या याद करना है तो कर लो। क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपने, पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ नहीं एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा, अभी इसके करेंगे क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपने को ये चैप्टर पे मास्टरी चाहिए, तो अपन ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है आपको, क्या दिया है भैया उसने आपको, दे रखा है एन, एन इज इक्वल टू टेन, समेशन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी, समेशन वाई इज इक्वल टू फिफ्टी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 220, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 262। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, पहला वाला या दूसरा वाला, दूसरा वाला, पूरी वैल्यूज दे रखी है, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, आया ना, यस, वेरी सिंपल। अरे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, हेलो कैलकुलेटर, ठीक है। आया आंसर कितना आया बताइए, ऑनलाइन वाली जनता 0.9129, वेरी गुड, ये लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, कल वाली लेक्चर रखी थी आज नहीं रखेंगे, चलो डन है। आगे आंसर 0.91 कुछ तो आया होगा, आर इज इक्वल टू 0.91, दोनों मेथड से आएगा ये, ठीक है। आया 0.01,
नहीं रे भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ये देखो सॉल्यूशन देता हूं क्या है। ये 0.9 आ रहा है, ठीक है। ये करेंगे ऐसा, दोनों फॉर्मूले से मैंने करके दे रखा है आपको, ये अपन ने बुक में खत्म कर दिया था। ये फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका। आया क्या? अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो घर पे करना, ठीक है, नहीं तो सेशन 4 घंटे हो जाएगा। चलो दूसरा, फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एक्स दिया है, वाई दिया है, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से करना चाहते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये पहला वाला फॉर्मूला है ना, ये यूज मत करना जब ऐसा डेटा दिए हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पहला फॉर्मूले में आपको पहले कोवेरियंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उस कोवेरियंस के लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसमें भी कोवेरियंस के 2 फॉर्मूले हैं, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ढूंढना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ढूंढना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूज मत करिए जब आपको एक्स और वाई का डेटा दिए हुआ है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूं। तो अभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अपने को क्या क्या लगता, एन इंटू समेशन, एन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू हो गया अपना 6, ठीक है। एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो ये x और y का प्रोडक्ट कर लेंगे और उसका ये टोटल सम निकाल लेंगे। समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x निकालो, समेशन ऑफ y निकालो, आपका काम बन जाएगा। या समेशन ऑफ x स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ y स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें निकालो, x दिया है, y दिया है, एक बार x y निकालिए। चलिए लिखे जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो ना। ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे नहीं होगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बुक निकालो। ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे नहीं होगा, अगर कैलकुलेटर पे होगा तो गलती करने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको लिख के करेंगे अपन, पूरा एक नंबर देगा आपको, पूरा एक नंबर, ठीक है। समेशन एक्स वाई निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 2, 3, 5, 10, 15, 20, 29 समेशन ऑफ एक्स आएगा, 29 आया समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ वाई कितना आएगा, 9 + 8 + 8 + 6 + 5 + 3, समेशन ऑफ वाई आएगा 39, आया ना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए भैया मेरे को, एक्स स्क्वायर का समेशन निकालना है तो लिखते नहीं बैठूंगा मैं, ठीक है। इंटू इक्वल टू करके एम प्लस डाल दूंगा, 2 × m + 3 × m + 5 × m + 5 × m + 6 × m + 8 × m + MRC 163 आया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालो, 9 × m + 8 × m + 8 × m + 6 × m + 5 × m + 3 × m + MRC 279 आ गया। बस सब कुछ है, समेशन ऑफ एक्स आ गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है ना, तो समेशन ऑफ एक्स वाई में निकाल लेता हूं डायरेक्टली। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई करके एम प्लस में डाल दू, 2 × 9 + 3 × 8 + 5 × 8 + 5 × 6 + 6 × 5 + 8 × 3 + MRC 166 आ गया। यस और नो, ये आ गया सारा, वेरी गुड। बाद में क्या करेंगे सर, ये कर लेंगे आप। ये देखो ये वैल्यूज आ गई होंगी आपकी, समेशन ऑफ एक्स आई 29, समेशन ऑफ वाई आया 39, समेशन ऑफ एक्स वाई 166 आया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 163 आया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 279 आया। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। मैंने यहां पे कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज करा है सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। ये मेन कोर्स का है, अपन कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर कर लेंगे। पहला सेकंड वाला फॉर्मूला विल यूज, ठीक है भैया। ये आपका -0.93 आ रहा है आंसर, आ गया -0.93। आगे एक बार बता दीजिए, आ गया तो आगे चलते। ठीक है,
0.93 आ रहा ना, बाकी के 20 पैसे मेरे से ले ले, ठीक है, यस डन। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, कौन सा अगला क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 20 आइटम्स का 0.4, मतलब आर 0.4 दे रखा है। स्टैंडर्ड डिविएशन और अरिथमेटिक मीन दे रखा है 12 और 15, एक्स का अरिथमेटिक मीन एक्स और वाई का दे रखा है 12 15, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 3 4। आपको बाद में बोला गया है कि भैया जो 20 और 15 लिया था ना, वो 20 और 15 नहीं 15 और 20 था, या 20 और 15 को 15 20 लिया था, तो आपको बोला करेक्ट वैल्यू ऑफ आर निकालना। ये हमने कर रखा है, ये आपके पास बुक में लिखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है भैया। अभी इसको करवाऊंगा तो आधी घंटा लग जाएगा, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन रिविजन। तो ये उसका आंसर है, अगर किसी बालक को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो चीज के साथ, ठीक है। हाँ हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये उसका आंसर है, डन है। अब भैया हमने ये चीज समझी है कि भैया कोरिलेशन रिग्रेशन में जो सबसे भयंकर वाला फॉर्मूला है वो है कार्ल पियर्सन, और उसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पहले ये समझो आप, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन आएगा एक्स वाई दे दिया, इस टाइप का गंदा सा भद्दा सा, ये पूरा मैनुअल है, क्लरिकल काम है, फॉर्मूला याद होना, ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपका बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वापस सेम एक्स का कॉपी पेस्ट वाई, रटेंगे नहीं वो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है सर बताइए दो एक बार, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन, तो आपको वहां पे एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर केस में, और फिर लास्ट में उसका समेशन लेना पड़ेगा, यस हा अपॉन एन, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये दो फॉर्मूले है भैया कोवेरियंस, और इसको याद रखना जरूरी है, इसको याद रखना कंपलसरी है, याद रखिएगा, दो बार एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला पूछा गया था, कोवेरियंस का सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा गया था, ठीक है। तो फॉर्मूलेज याद रखना है, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन आएंगे, इसलिए भी कि डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ सकते हैं, मैंने आपको कितने बार बताया इंडेक्स, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद सबसे बढ़िया चीज जो आती है, मेरे को बड़ी खुशी होती है इस चीज से, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, कुछ नहीं करना है, दिमाग फ्रीज में रखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। चेंज ऑफ ओरिजिन के वजह से इंपैक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल के वजह से भी इंपैक्ट नहीं होता, बट साइन बदल सकती है, ठीक है ना, मतलब जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू हमेशा वैसी ही रहेगी, बस इसके वजह से आपको साइन बदल सकती है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन कैसे होता है ये देख लो, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे देगा, आर दे देगा एक्स वाई का, आर एक्स वाई दिया है समझ लो 0.8, आपको बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ यू वी का, काय का यू और वी का, मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है आर एक्स वाई 0.80 और आपको पूछा है आर यू वी बताओ कितना रहेगा, तो ये पक्का है कि आर यू वी 0.80 ही रहेगा, बस प्लस रहेगा या माइनस रहेगा ये पता करना रहेगा आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या करने का, सिर्फ साइन बदलता है इसमें, ठीक है, क्या करने का, कुछ नहीं, दिमाग फ्रीज में रखने का। अब जो आपको इक्वेशन दी रहेंगी ना इसमें, जैसे अपन ने देखा सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में इक्वेशन एक्स और वाई की दी रहती है, ऑब्वियसली यहां पे इक्वेशन के अंदर एक्स वाई रहेगा, यू वी रहेगा, दो इक्वेशन दी रहेंगी, एक इक्वेशन के अंदर यू और एक्स रहेगा, दूसरे इक्वेशन के अंदर वी और वाई रहेगा, आना यू और एक्स रहेगा, वी और वाई रहेगा, जैसे यू वी पहले यू वी एक्स वाई, तो यू और एक्स, वी और वाई, ठीक है, पहले पहले वर्ड दूसरे दूसरे वर्ड। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले यह चेक करना कि एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसकी साइन सेम है क्या, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट की साइन सेम होना जो मैं बोल रहा हूं आगे, उसके लिए पहले आपको एक्स और वाई के कोएफिशिएंट की साइन सेम होना, मतलब एक्स और वाई के सामने जो साइन है ना वो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे,
सेम कैसे बनाते, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, है या ना? ठीक है, पहली बात याद रखो क्या, एक्स और वाई के साइन सेम होना, डन है। दूसरी बात, फिर अपन देखेंगे यू और वी का साइन। जब एक्स और वाई का साइन सेम कर दिया, अगर सेम ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो सेम करो, कैसे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यू और वी का साइन। अगर यू और वी का साइन सेम है, यू और वी का साइन सेम है तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, और अगर यू और वी का साइन अलग अलग है तो भैया निगेटिव रहेगा, ठीक है। ये देखो यू वी का सेम साइन है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, और u और v का अपोजिट साइन है तो r x y इज इक्वल टू माइनस r माइनस ऑफ r u v, ठीक है ना। बता दो क्या है पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन देखो, x का साइन देखो प्लस है, y का साइन क्या है प्लस है, तो दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, कोई लफड़ा नहीं है। अब चेक करो u का साइन और v का साइन, u का साइन भी प्लस है, v का साइन भी प्लस है, तो अपना r कितना हो गया, यहां पे r सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा 0.80, ठीक है ना। अगर कभी गलती से आपको निगेटिव दिया रहा तो आप बोलोगे पॉजिटिव रहेगा, लफड़े हो जाएंगे, जो पहले था वही रहेगा, समझा। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बी वाला देखो, एक्स और वाई की साइन देखो, सर यहां निगेटिव है यहां पॉजिटिव है, ओहो लफड़ा हो गया। अब क्या करते, ये पहली वाली साइन को इंटू माइनस वन करो, जब आप इंटू माइनस वन करोगे पहले इक्वेशन को तो सबकी साइन चेंज हो जाएंगी, मतलब ये यू के सामने निगेटिव रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये फोर माइनस हो जाएगा, वैसे फोर की तो कोई इज्जत ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। ये अपनी साइन हो गई, ये माइनस ये प्लस। अब देखो भैया इसका प्लस है इसका भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, ठीक है। अब क्या चेक करना है आपको, यू और वी का साइन, यू के सामने पॉजिटिव है, वी के सामने सॉरी यू के सामने निगेटिव है, वी के सामने पॉजिटिव है, तो अपना क्या हो जाएगा, सर साइन अपोजिट है, मतलब जो पहले था उसका निगेटिव रहेगा, तो अपना पहले आर कितना था 0.80, अब रहेगा माइनस 0.80, समझा क्या। तीसरा, एक्स का साइन और वाई का साइन दोनों निगेटिव है, अब निगेटिव है तो पॉजिटिव करूं क्या वापस से, अरे सर छोड़ दो ना, दोनों के साइन सेम होना, एक्स और वाई का साइन सेम है, डन है भैया, साइन सेम है तो कोई लफड़ा नहीं है। अब क्या करेंगे, साइन सेम हो गया तो यू वी का चेक करेंगे, यू का पॉजिटिव है वी का भी पॉजिटिव है, दोनों का सेम है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रहेगा, तो आर विल बी 0.80, डन है। अगला, एक्स का वाई का निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है तो क्या करते, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फोर वी प्लस 16y, आगे 11 जो भी है उसको छोड़ दो। अब देखो यू का साइन पॉजिटिव, वी का साइन निगेटिव, तो क्या अपोजिट साइन है, तो कितना हो जाएगा, आर वुड बी माइनस 0.80, डन है भाई। तो ये चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता, बट साइन चेंज होती है, उसके लिए क्या करने का है, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट यूवी का साइन चेक कर लो, ना यूवी का साइन नहीं चेक करेंगे, पहले अपन क्या चेक करेंगे, पहले देखेंगे एक्स वाई का साइन सेम होना, अगर एक्स वाई का साइन सेम है तो ठीक है, अगर एक्स वाई का साइन सेम नहीं है तो सेम बनाओ, कैसे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, इफेक्टिवली दोनों के साइन बदल दो आप, ठीक है, माइनस होगा तो उसको प्लस बना दो, तो जो प्लस रहेगा उसको माइनस बन जाएगा, फिर चेक करो यू और वी का साइन क्या है, अगर यूवी का सेम साइन है तो आर सेम रहेगा जो पहले था, मतलब पहले निगेटिव था तो निगेटिव रहेगा, पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, अगर यू और बी का साइन अपोजिट है तो आर का साइन बदल जाएगा, पहले पॉजिटिव रहा तो बाद में निगेटिव होगा, पहले निगेटिव रहा तो बाद में पॉजिटिव होगा। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी आपका गेम लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव दे दिया, ठीक है, आर दे दिया माइनस 0.80 गलती से, आप बोलोगे अरे दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट साइन है तो निगेटिव रहेगा, आप रखोगे सेम ही उसको, माइनस का माइनस ही रखोगे, बट आपने को उसका बदलना था, समझे बात को, मैं क्या बोल रहा हूं समझे ना, ठीक है, ओके डन है भैया। किसी बालक को आपत्ति, बाकी सर कैसे, मतलब टेक्निकली कैसे होता, कुछ भी नहीं करना तुमको उससे, कुछ भी नहीं करना तुमको उससे, ठीक है ना। ये आर की बात है, आगे एक और आएगा अपने, क्या आने वाला है आगे, रिग्रेशन, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, उसमें भी चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का लफड़ा है, उसमें भी सेम नोट दूंगा, मतलब चार जगह पे चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन आता, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करते, कुछ भी नहीं करते, x के जगह x बार, y के जगह y बार। डिस्पर्शन में क्या करते, कुछ करते क्या, हाँ वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंपैक्टेड नहीं है, तो उसमें क्या करना पड़ता अपने को, चेंज ऑफ स्केल निकालना पड़ता, और चेंज ऑफ स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे पुराने वाले को तो नया वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है सर, इसके अंदर हमको बस ये देखना है कि एक्स और वाई की सेम साइन होना। एक्स वाई की अगर सेम साइन है तो हम चेक करेंगे यूवी का साइन कैसा है। अगर यूवी का सेम साइन है तो जो पहले था वही रहेगा, यूवी का अपोजिट साइन है तो जो पहले था उसका निगेटिव हो जाएगा या उसका अपोजिट हो जाएगा। डन है भाई, कोई आपत्ति नहीं? ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बहुत प्यारा, ये रैंक कोरिलेशन काम आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, और ये सिर्फ थ्योरी में आता है, बाकी किसी भी जगह पे क्वालिटेटिव की बात ये नहीं करता। ठीक है, रैंक कोरिलेशन या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको कोरिलेशन निकालना है तो क्या यूज करेंगे? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। डन है, है ना? ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, बट जब क्वेश्चन आएंगे सारी की सारी क्वांटिटेटिव चीजें दी रहेंगी। ओके, इट इज इजियर टू कंप्यूट। देखो खुद ही बोल रहा है कि मैं इजियर हूं। हाँ, बहुत इजियर है। क्या है? 1-6 into summation of d square upon n into n square minus 1. n तो आपको निकालते आता है, n तो गिनना होता है, d square क्या है? तो आपको x और y दो दिया रहेगा, जैसे दो जजेस दिए हैं, दोनों के रैंक का डिफरेंस निकालना है। पहले ने, पहला एक जज है, उसने दिया पहली वैल्यू को रैंक 3, दूसरे ने दिया रैंक 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। ठीक है ना, प्लस माइनस मत करना क्योंकि d का स्क्वायर ही है, d का स्क्वायर ही है ना, तो प्लस माइनस मत करना, समेशन ऑफ d स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, रैंक का डिफरेंस इनटू इक्वल्स टू m प्लस, डायरेक्टली 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, अपॉन कर देना n इनटू n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर, n की वैल्यू मैक्सिमम 10 रह सकती है, तो 10 तक के स्क्वायर आपको आते हैं, है ना, 10 तक के स्क्वायर आपको आते, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ओके, देखो क्या है फॉर्मूला, एक बार देख लो। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1-6 इनटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1, 6 इनटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये याद रखना है, 1 में से माइनस करना है तो बच्चे को भी याद रखता है, 1-6 इनटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। डन है भैया, डी क्या रहता, डिफरेंस इन रैंक। ठीक है, ओके, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेल्स का डेटा दिया है, एडवर्टीजमेंट का दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रैंक नहीं दिए हुए, आपको इनको रैंक देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन जो यही पूछ सकता है सिर्फ कि रैंक कोरिलेशन किस काम का आता, आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, सॉरी क्वालिटेटिव डेटा, बात खत्म, थ्योरी इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकती है। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकल आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा ये 6d स्क्वायर का, ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकल आ सकता है टाइड रैंक का, जो कि मेरे को लगता है बहुत मुश्किल से आता है ये टाइड रैंक, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और अपन उसको भी चिल्लर कर देंगे। ठीक है, टाइड रैंक को देखो वहां पे नीचे लिखा है स्पेस फॉर प्रोनाउंसर्स नोट, ऐसा जादू की छड़ी दूंगा ना, गप 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 काम हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मूले से काम खत्म, हंसो मत, सही बोल रहे हो। ठीक है, हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसको निकालो। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर रैंक दिए हुआ रहता, जैसे एक क्वेश्चन था अपन ने देखा था कि दो जजेस है, दोनों ने रैंक दे दिए है, तो वहां पे रैंक डायरेक्टली दिए हुआ था, उसमें कुछ करना नहीं था, पर यहां पे रैंक नहीं दिए भाई, आपको रैंक निकालना पड़ेगा। सेल्स को मानो x, सेल्स को मानो x और एडवर्टीजमेंट को मानो y, x को रैंक दो, y को रैंक दो। कोई एक आधा बच्चा उल्टा पैदा हुआ, वो बोलता है सर मैं सेल्स को y मानना चाहता हूं और एडवर्टीजमेंट को x, दोनों में से कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n इज इक्वल टू 8, तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, 63, बराबर क्या, तो मैं निकाल दे रहा हूं 8 into 63, नीचे वाली जो चीज आएंगी वो आएंगी 504। अरे निकालो आप, डी निकालो, डी जल्दी से। ठीक है, जय हिंद मास्टर साहब जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तीन टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ टाइप के क्वेश्चन आ नहीं सकते। ठीक है, जो नलायक बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं करा उसकी बीवी भाग के जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ देखो, ये ऐसे रैंक आएंगे, ये ऐसे रैंक आएंगे, आपको डी निकालना पड़ेगा रैंक में से, आप रैंक दे दो ऐसे एक्स वाई को, फिर डी निकाल लो,
फिर डी का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे तो खैर इन्होंने ऐसे गरीब जैसे करे भाई, अपन ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, अपन जो डी निकलेगा इंटू इक्वल्स टू डी इंटू इक्वल्स टू कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 0.95। कितने बच्चों का आ गया है? हाँ करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घाई नहीं अपने को। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, वो ये क्वेश्चन है भाई। इसमें भी टाइट लाइंस है क्या? ओ हो, ठीक है, ये तो 65 है ना, ये टाइट रैंक्स है इसमें। रुक जाओ एक मिनट, इसका आंसर आएगा 0.151। ठीक है, अरे टाइट रैंक्स है क्या? नहीं, रैंक टाई नहीं हो रहे, सॉरी माफ करना, ये है ना, तो 0.95 इसका आंसर आया भाई, 0.95 है इसका आंसर। ठीक है, कितनों का आ गया? रैंक कैसे निकालना है बेटा, देखो सबसे बड़ी जो चीज है उसको देना है रैंक वन। ठीक है, रैंक कैसे निकालना है, सबसे बड़ी चीज है उसको दिया रैंक वन, 95 के नीचे कौन है? 90, रैंक वन है 90। अच्छा ये इसमें गलत करा था मैंने, मेरे को याद है रैंक टू है, ये रैंक थ्री है। ठीक है, तो 2-2 0, 3-3 0, ये 4-5-6-7-8 डन है, ये ऐसे रैंक देना है, सबसे बड़ी चीज को पहला रैंक देंगे, सबसे छोटी चीज को नीचे रैंक देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज का रैंक बनाएगा, सबसे छोटी चीज का रैंक लास्ट आएगा। ठीक है, डन है, ठीक है। अरे यार निकाल लेना, आ जाएगा रैंक, आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड। जिनका नहीं आया वो घर पे जाके निकालो बढ़िया से। तो इसका आंसर आपका आएगा पॉइंट कितना आया? 95। ये आगे इसका रैंक, डन है। अब आगे सुनो, आगे आगे, अब अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो गया कि रैंक देते देते दो नंबर सेम है, जैसे यहां देखो 50-50 दोनों नंबर सेम है, तो इनका रैंक सेम रहेगा, फिर करना क्या, फिर करना क्या, सुन लो क्या करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, 1-6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बस एक चीज आपको एडिशनली ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके रैंक्स टाई हुए, जितने भी नंबर ऑफ टाइज आए, नंबर ऑफ टाई कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं। ठीक है, टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, ये अलग से चीज आप डी स्क्वायर में ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डी स्क्वायर है 50, तो आपने जितने भी रैंक्स टाई हुए आपके, आपको उसको ये ऐड कर देना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू, इको मार्क्स को एक्स बोल दूं, इको को एक्स, स्टैट्स को वाई। ठीक है, डन। 80, 56, 50, 48, 50, 62 और 60 बराबर। स्टैट्स में बोलो 90, 75, 75, 65, 65, 65। ठीक है, रैंक दे रहा हूं मैं, रैंक ऑफ एक्स सबसे बड़ा क्या है? 80, इसको रैंक वन दिया। ठीक है, उसके बाद छोटा क्या है? 62, रैंक टू दिया। फिर क्या है? 60, रैंक थ्री दिया। फिर क्या है? 56, रैंक फोर दिया। उसके बाद में 50 एक बार है, 50 दो बार है। ठीक है, तो अब बताओ रैंक किसको क्या दू? इसको 5 दू, इसको 6 दू? नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, कौन सा रैंक टाई हुआ? 4 जा चुके, पांचवा और छठवा 5+6/2, तो दोनों को 5.5 दे दो, इसको भी दो 5.5, इसको भी दो 5.5। ठीक है, और टाई कितना हो गया? एक टाई हो गया, एक रैंक टाई हो गया दो जगह के लिए। ठीक है ना, तो एक टी आ गया अपना 2। ठीक है, एक रैंक टाई हो गया दो जगह के लिए, तो एक टी आ गया अपना 2। ठीक है, एक जगह रैंक टाई हुआ ना, बस अभी के लिए इतना ही काफी है। ये 5, 5.5, ये 48 को क्या रैंक दूंगा? 7 देना, 6 मत दे देना, लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 इसको बांट दिया है अपन ने दोनों का एवरेज करके, ये हो गया रैंक 7। ठीक है, अब आ जाओ रैंक ऑफ वाई पे।
रैंक ऑफ वाई, 90 रैंक वन, ठीक है, फिर 75 एक दो, 75 एक और दो टाई हो गया, एक और दो पे टाई हो गया, मतलब सेकेंड और थर्ड रैंक टाई हुआ। तो हर जगह क्या लिखूंगा, 2 प्लस 3 बाई 2, 2.5, ठीक है, और एक और टाई हो गया, T इज इक्वल टू 2, दो नंबर का टाई हो गया। तो अपने पास दो टाइज रैंक्स आ गए, पहला भी दो का, दूसरा भी दो का। फिर देखो 75 हो गया, फिर 65 को देखो, एक जगह, दो जगह, तीन जगह टाई हो गए, तो अपना T हो गया 3, तीन जगह के लिए टाई हो गया, तो T 3 हो गया, ठीक है। ये इसको बाजू में रखें, अभी बताओ रैंक पहले दो कैसे, दो तीन हो गए हैं, दो और तीन नंबर दे दिए, चार पांच छह, तीन नंबर का टाई हुआ, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 करना है, तीन लोग का टाई है, तो 5 जाएगा, इसको भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब क्या करूं इसको, इसको लास्ट वाला नंबर 7, ठीक है ना, 4 5 6 चले गए, ये 7 नंबर है, डन है। अब इसका निकालो डी, डी निकालो क्या है, डी निकालो क्या आएगा, 44 आएगा डी आपका, डी आया 44। अरे करो ना, 1 माइनस 1 0, सॉरी डी का स्क्वायर निकालना है, 1.5 3 2.5 5 2 स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 3 का स्क्वायर 9, अरे डायरेक्टली करो सर, 1.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2, 1.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 0.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस एमआरसी आया क्या, 44.5 डी आया ना। पहले तो ये समझा रैंक कैसे देना है, ठीक है। अब डी निकाल लिया आपने, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखोगे ना, फॉर्मूला बड़ा घिनौना है, फॉर्मूला बड़ा गंदा है। ये बोल रहा है फॉर्मूला 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर, उसके बाद में क्या लिखा है, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी बाय 12, क्या लिखा है, टी क्यूब माइनस टी बाय 12 फॉर एवरी टाइड रैंक्स। अपने पास तीन रैंक टाइड है, मतलब तीन बार टाई हुआ है ना, तीन बार टाई हुआ है, और अपने क्या निकालना है, टी क्यूब माइनस टी बाय 12, तो लफड़ा मत लो, क्या निकालना है आपको, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार टी को 2 डालेंगे, दूसरे बार भी टी को 2 डालेंगे, और तीसरे बार भी टी को 3 डालेंगे, ठीक है। तो अभी लोग क्या करते, 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, ठीक है। अब लोग क्या करते मालूम है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालते, भैया थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ये जब डिवाइड बाय 12 होना है तो सीधा कर रहो ना, तो 2 क्यूब 8 माइनस 2 6 बाय 12 प्लस 6 बाय 12 सेम रहेगा प्लस 27 माइनस 3 24 बाय 12। अब ये 6 और 6 12 और 24 36 बाय 12 कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 को ऐड कर दो काय में, 44.5 में, समझा क्या, 44.5 प्लस 3 47.5 हो गया वो। अब बनेगा फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू 47.5 अपॉन एन कितना था 7 इंटू 48 1 जार 8 जार 47.5 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 1.15 आंसर है क्या, हाँ 0.15 समझा। टाइड रैंक्स, तो बेसिकली टाइड रैंक में ये लफड़ा है, टाइड रैंक को समझना ही है कि अगर सेकेंड और थर्ड नंबर का रैंक टाई हुआ तो अपने क्या करना है, दोनों का एवरेज 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 ढाई, दोनों को ढाई ढाई दे देना है, ठीक है। अगर समझ लो 4 5 6 नंबर का रैंक टाई हुआ, मतलब चौथे नंबर पर भी सेम चीज है, पांचवें भी छठवें पे, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3, तो पांचवा रैंक तीनों को दे देना है, और आगे वाले को मेक श्योर करना सिक्स रैंक ना दो, क्योंकि सिक्स अपन ने इसको दे दिया, सर कहा दिया, दिख तो फायदा है, अबे वो दिख फायदा है पर वो है तो 6 नंबर,
लास्ट वाला एन के बराबर आएगा। डन है भैया? किसी बालक को आपत्ति नहीं। अब इससे ज्यादा डिटेल में लूंगा तो फिर रेगुलर बच्चे वाले मेरे को मारेंगे, बोले हम जबरदस्ती पैसे लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स, पता नहीं कितने नंबर है, द कोरिलेशन, द कोरिलेशन ऑफ रैंक बिलो इज आर, दे रखा है 0.50। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज 82.50, मतलब समेशन ऑफ डिफरेंस डी स्क्वायर दे रखा है 82.50। हाँ या ना? आपको नंबर ऑफ टाउन्स एन निकालना है, पर चिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, करो एक बार बताइए नंबर ऑफ टाउन्स कितना आएगा क्वेश्चन 7 का, क्वेश्चन 7 का कितना आएगा बताइए। n इज इक्वल टू 10 आया, कैलकुलेटर भी करने का सोचोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लिख के करो। क्या दे रखा है? r दे रखा है 0.50, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना दिया है 82.50 बराबर क्या, r r इज इक्वल टू 1-6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, r r कितना है 0.50 इज इक्वल टू 1-, ये इसकी वैल्यू कितनी 6 इंटू 82.50 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या, तो ये इसको इधर लेके जाऊंगा तो -0.50 इज इक्वल टू -6 इंटू 82.50 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एन एन कट गया। ठीक है, तो देयरफॉर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट 6 इंटू 82, कितना होता है यार ये 6 इंटू 82.50 495 अपॉन 0.50 डिवाइड बाय 0.5 990, एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 990 लाना है तो ये 10 रहेगा, 10 इंटू 99 आया ना, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 10। इसके बाद में आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझा रखा है कहाँ में, एपीजीपी में, अपन यही करें जिंदगी भर एपीजीपी में, दो कदम तुम चलो दो कदम हम चले। कॉन्करेंट डेविएशन एकदम पांचट, एकदम पांचट। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे लोगों का हौसला टूट रहा है मैं देख रहा हूं, ठीक है वो टूटे गई, पर अपने को डटे रहना है, मैं आज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन में क्या करते, कुछ नहीं, 2c-m/m आया ना। कॉन्करेंट डेविएशन कब यूज होता है, थ्योरी क्वेश्चन, जब अपने को सिर्फ डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड हमसे हमको कुछ नहीं लेना देना, तब अपन देखते हैं बराबर कि नहीं। कॉन्करेंट डिवीजन इसमें अपन क्या देखते हैं, अपने को मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को बस ये देखना है कि भैया किधर जा रहा है, और ये बहुत कैजुअल अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन कुछ मैथमेटिकल नहीं कर रहे, अपन देख रहे बढ़ रहे छोट कम हो रहे, बढ़ हो रहे कम हो रहे, तो इसका नाम ही क्या है, कॉन्करेंट डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन आरसी लिखते हैं इसको। ठीक है, ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहता है, ये तो ऑब्वियस है, आर की वैल्यू है -1 के बीच में रहेंगी, तो 2c-m 2c-m अपॉन m, इसमें अंडर रूट दे रखा है और ये बाहर लिखा है प्लस माइनस, यहां भी लिखा है प्लस माइनस लिखा है, यहां भी लिखा है प्लस माइनस। अब ये मैं आपको बता दूं प्लस माइनस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वहां नीचे मैंने लोड के लिए जगह दी हुई है, प्रणव सर्स नोट, वहां लिखो इफ 2c-m इज पॉजिटिव आर इज पॉजिटिव, इफ 2c-m is negative, r is negative, खत्म बात। ठीक है, 2c-m negative रहा तो r भी negative रहेगा, बात मतलब अपने बेसिकली 2c-m निकालना है। और c क्या है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट deviations, कॉन्करेंट मतलब सेम डायरेक्शन में, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, फॉर्मूला याद कर लो पहले, क्या है 2c-m upon m का अंडर रूट, 2c-m upon m का अंडर रूट, 2c-m upon m का अंडर रूट, सर वो प्लस माइनस, अबे वो दो बार है, 2c-m की वैल्यू प्लस है तो प्लस रहेगा r, 2c-m की वैल्यू माइनस है तो माइनस रहेगा r, 2c-m upon m का अंडर रूट। ठीक है, c क्या है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, m क्या है, कॉन्करेंट डिविएशन n-1, ठीक है,
मतलब बेसिकली जितनी कॉन्करेंट डिविएशन आप निकाल रहे हो। मैं बता दो, क्वेश्चन देखो, ये दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। ये मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि ऐसी फॉर्मेट में आईसीए दे दी आपको परेशान करने को। हॉरिजॉन्टल, अपने को वर्टिकल चाहिए, पहले लिखो क्या लिखना है, ईयर लिखना है क्या, नहीं, गोली मारो ईयर को, ईयर से कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये प्राइस लिखो और डिमांड लिखो, ऐसे आड़े खड़े प्राइस लिखो और डिमांड लिखो, मैं भी लिखता हूं, एक्स वाई, ठीक है, निकालो बगावत, नहीं नहीं एक्स के बाद में जगह छोड़ देना थोड़ी, क्योंकि उसका कॉन्करेंट डिविएशन निकालना है। 25, 28, 30, 23, 35, 30, 23, 35, 38, 39, 42, वाई क्या है, 35, 34, 35, 30, 35, 30, 29, 28, 26, 23, ठीक है, यस। अभी आपको देखना है डेविएशन, अब निकालो आप डेविएशन, एक्स का डेविएशन निकालो। इसको नाम नहीं देना है, वो नाम बहुत लंबा चौड़ा देते, क्या लिखते, साइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फिगर, प्रीवियस फिगर ऑफ एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब क्या है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वाले को कुछ नहीं लिखना, पहले वाले में डॉट डालते हैं, और इसीलिए जो एम का वैल्यू है ना वो एन माइनस वन होता है। एम का वैल्यू एन माइनस वन क्यों होता, क्योंकि पहले वाले का कोई डेविएशन ही नहीं दिखता अपने, ठीक है। तो अगर एन कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एन इज इक्वल टू एट है ना, तो आठ अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे, अपन साथ ही डेविएशन देखेंगे, तो अपने लिए एन की जरूरत नहीं है, अपने लिए जरूरत है सेवन, समझा। तो अपन जो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं सेवन पे कर रहे हैं, ये बहुत कैजुअल तरीका है, चलते फिरते घूमते घूमते आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्या नॉनसेंस है, ये नॉट एप्लीकेबल, ये वाई का डेविएशन निकाल रहा हूं, ये भी नॉट एप्लीकेबल। करो, प्लस हुआ प्लस लिखो, प्लस हुआ प्लस लिखो, मतलब 28 से बढ़ रहा है ना तो प्लस लिखने का, कम हो रहा है माइनस लिखने का, बढ़ रहा है प्लस 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 लिखने का, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, y का देखो, कम हो रहा है माइनस, बढ़ रहा है प्लस, कम हो रहा है माइनस, 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 ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, काई का, साइन का, ये प्लस माइनस का, पहला वाला एन ए, दूसरा प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, आ गया माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अभी चेक करो, जिसमें प्लस आ गया वो हो गए कॉन्करेंट डिविएशन, जितना प्लस आ गया वो हो गया सी, सी इज इक्वल टू टू आ गया अपना, सी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू, ये कॉन्करेंट डिविएशन, ठीक है। मतलब अपने को देखना है ऐसे कौन से साल है, कितने सालों में सेम बढ़ा, देखो यहाँ पे किधर गया भाई, हाँ ये कम हुआ, यहां भी कम हुआ, मतलब सेम डेविएशन हुआ, यहां देखो, यहां से यहां देखो बड़ा, यहां से यहां भी बड़ा, कितना बड़ा, क्या बड़ा, चूल्हे में गया वो, अपने कुछ नहीं करना उससे, ठीक है ना सर, दिमाग फ्रिज में रखने वाली मेथड है, मैंने क्या बोला, कैजुअल है, घूमती घूमती निकाल लिया, ठीक है। टू सी, टू इंटू टू माइनस एम कितना है, सेवन, फोर माइनस सेवन कितना आ गया, माइनस थ्री, मतलब ये कोरिलेशन निगेटिव रहेगा, पक्की बात, ये कोरिलेशन निगेटिव रहेगा, हाँ ना, फिर वो माइनस को गोली मार दो, 2c माइनस m का वैल्यू निगेटिव आया तो भी उसको गोली मार दो, क्यों, फॉर्मूला क्या है, 2c माइनस m अपॉन m का अंडर रूट। अब ये अगर ऊपर का आपने माइनस थ्री अपॉन सेवन कर दिया तो आप बोलोगे सर निगेटिव नंबर का कोरिलेशन तो अंडर रूट तो निकलता ही नहीं, ये माइनस जो है ना ये इसकी इज्जत काहे के लिए, बस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। जैसे ही पता चल गया ये माइनस है तो इसको हटा देंगे और बाहर माइनस लिख देंगे, तो अंडर रूट ऑफ थ्री बाई सेवन कर लो, थ्री बाई सेवन का रूट कितना आ रहा है, थ्री बाई सेवन का अंडर रूट माइनस पॉइंट सिक्स फाइव, माइनस में आएगा, ठीक है। अंडर रूट माइनस का अंडर रूट मत निकालना, एरर दिखाएगा, निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं आता, डन है भैया, कोई आपत्ति ना, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हो गए, यहां पे ये कोरिलेशन निकल गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, अपन चारों के चारों कोरिलेशन के, नहीं नहीं रिग्रेशन तो करते हैं,
अपन चारों के चारों कोरिलेशन सबके फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। कितना टाइम है? 5 मिनट के अंदर आप सारे के सारे फॉर्मूले लिखेंगे अपने अपने बुक के अंदर, ठीक है। सारे बच्चे देखेंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे। हाँ अभी जिंदा है, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, आप है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे माफ, कॉफी दे भाई यार। ये कितने बार हो गया? ठीक है भाई, मतलब जो भूलने की आदत है ना, शुक्र है भगवान का ये नहीं भूल रहा हूं, नहीं तो मैथ्स टाइम भूल गया ना तो लफड़े भाई। क्या क्या नहीं भूला हूं मैं, क्या क्या नहीं भूला, मतलब नेक्स्ट लेवल। कितने बार ऐसा हुआ, मैं मोबाइल भूलना नॉर्मल है, ठीक है। एक बार मैं कार से गया, कहीं दूर पार्क करा, मतलब घर से 200-300 मीटर के पास गया होगा, कार से गया, माँ कसम मैं पैदल चल के आ गया ना, 1.5-2 घंटे के लिए गया था मैं वहां पे, पैदल चल के आ गया, कार रहेगी, फिर बाद में रात में कहीं बाहर जाना था, आई वॉज लाइक चलो कार लेके जाते, कार का है? कार ही नहीं है, बोला कार का है? चाबी देख रहा हूँ, चाबी पास में, तो बोला अरे पार्किंग से गायब तो नहीं होगी? बोला नहीं यार, पार्किंग से गायब नहीं हो सकती सोसाइटी से। फिर ध्यान में आया, बोला अरे भाई ठीक है। तो चलिए, अभी तक क्या पढ़ा हमने वो रिवाइज कर रहे थे। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, आर का फॉर्मूला है कोवरायंस एक्स वाई अपॉन कोवरायंस ऑफ एक्स अपॉन कोवरायंस ऑफ नहीं कोवरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको कोवरायंस दिया है या स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे आर निकालने के लिए। नहीं तो अगर नंबर्स दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले ऐसे ही आपको याद रहने चाहिए। मैं भूल गया तो चलता, उल्टा होता है पर जिंदगी में, तुम बोलते हो मैं नहीं भूल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में था सर स्पीयरमैन कोरिलेशन। स्पीयरमैन कोरिलेशन में क्या होता है, ये रैंक कोरिलेशन है। इसके अंदर एक्स दिया रहता है, वाई दिया रहता है, आपको उसको रैंक देने, कैसे रैंक देने, सबसे बड़े वाले को पहला रैंक, सबसे छोटे वाले को लास्ट वाला रैंक, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1-6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जहां पे एन है नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है डिफरेंस इन रैंक, एक्स की रैंक वाई की रैंक दोनों का डिफरेंस निकालने का, इंटू इक्वल टू करके उसको एम प्लस में डालने का, बाद में सबका निकालने के बाद एमआरसी कर लेने का। उसके बाद में टाइट रैंक का एक फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है टाइट रैंक मतलब जब दो नंबर सेम रहते हैं तो दोनों को सेम रैंक देने, जैसे दूसरे और तीसरे के बीच में नंबर सेम रहा तो उसको रैंक टाई हो गया, तो अपन क्या करेंगे t इज इक्वल टू 2 करेंगे, दो का टाई है, जितने बार टाई हुआ उसको ध्यान में रखना है अपने को, चार बार रैंक टाई हो रहे तो एक बार दो नंबर में टाई हुआ तो वो t इज इक्वल टू 2 हो गया, दूसरे बार तीन नंबर में टाई हुआ t इज इक्वल टू 3 हो गया, तीसरे बार
चार नंबर में टाई हुआ तो टी इज इक्वल टू 4 हो गया। सबका क्या निकालना है हर्ष, टी क्यूब माइनस टी बाय 12, ठीक है। तो हर बार बाय 12 मत करते बैठना, ऊपर ऊपर वालों का निकाल लेना, बाद में सबको ऐड करके डिवाइड बाय 12 कर देना, मैंने आपको तरीका बता रखा है। ये उठा के डी स्क्वायर में ऐड कर दो और ऊपर वाला फॉर्मूला लगा, बाकी कुछ नया फॉर्मूला कुछ है नहीं इसमें। देखो ये निकालना है, डी स्क्वायर में ऐड करना है, मैंने आपको करके बताया। उसके बाद में कॉन्करेंट डिविजन का है। कॉन्करेंट डिविजन में क्या करते हैं, ये बहुत कैजुअल तरीका है, इसमें अपन कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ अपन देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे, कम हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, एक्स का भी वाई का भी, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेने का डेविएशंस का। जो डेविएशंस कॉन्करेंट है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस माइनस भी प्लस देगा, तो जो अपनी साइंस प्लस देगा वो अपना हो गया सी। देखेंगे कितने साइंस अपने प्रोडक्ट में प्लस आए, ठीक है, जितने प्लस आए हैं वो हो गया सी। आपको निकालना है टू सी माइनस एम, एम क्या होता है एन माइनस वन, ठीक है, टू सी माइनस एम निकालना है। ये टू सी माइनस एम का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो आर पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहा तो आर निगेटिव रहेगा। टू सी माइनस एम का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आप लिखोगे पॉजिटिव ही, अपॉन करेंगे एम से और उसका अंडर रूट ले लेंगे, आपका आर आ जाएगा। अगर टू सी माइनस एम प्लस है तो प्लस लेना, टू सी माइनस एम माइनस है तो आर की वैल्यू निगेटिव आएगी। डन है भैया, किसी बात को आपत्ति इसमें नहीं? ठीक है। हाँ, रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या है, दो वेरिएबल्स है उनके बीच का अपने को रिलेशनशिप निकालना है। रिग्रेशन में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, पहला पूछते हैं बी एक्स वाई निकालो, बी वाई एक्स निकालो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमको पूछी जाती है वो है रिग्रेशन इक्वेशन बताओ। तीसरी चीज जो हमको पूछी जाती है वो ये है कि आर की वैल्यू बताओ, ठीक है। चौथी चीज जो हमको पूछी जाती है वो है अरिथमेटिक मीन बताओ, बात खत्म। ये चार टाइप के चीजें पूछते हैं और बहुत सारे टाइप के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं थ्योरी वाले। तो रिग्रेशन क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिकल रिलेशनशिप अपन एस्टैब्लिश करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग। अगर कभी आप आगे चल के कभी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जाओगे, ऑपरेशंस में, तो वहां पे ये रिग्रेशन इक्वेशन का बहुत यूज होता है, ठीक है। इसको सबसे सिंपल तरीके से लिखेंगे, नोट वोट को गायब करते हैं, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, एक हो सकती है y on x, दूसरी हो सकती है x on y, ठीक है। मतलब क्या है, x डिपेंड्स ऑन y, दूसरा है y डिपेंड्स ऑन x। ये कहां से पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। x on y है तो क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, y on x है तो b y x, y on x है ना तो पहले y आ रहा बाद में x आ, ठीक है। जो पहले आ रहा वो ऊपर, जो नीचे सेकंड आ रहा वो नीचे, जो पहले आ रहा वो ऊपर, जो सेकंड आ रहा वो नीचे, खत्म बात, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो b y x का बनेगा इज इक्वल टू लिखा जाएगा, याद है तुमको, राइट हैंड साइड में b y x, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा x माइनस x बार, राइट हैंड साइड में जाएगा y माइनस y बार, क्यों, क्योंकि y राइट में है। सिमिलरली बी वाई एक्स है तो इससे इक्वेशन बनेंगी बी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इधर वाई इधर, वाई माइनस वाई बार इधर, एक्स माइनस एक्स बार इधर, ठीक है। ये बन गई आपकी रिग्रेशन इक्वेशन दोनों। देख बार लो, एक बार हजम कर लो, एक्स ऑन वाई है बी एक्स वाई, वाई ऑन एक्स है बी वाई एक्स। इसको यहां पे लिखना है एज इट इज, एज इट इज लिखेंगे, फिर ये x इधर है तो लेफ्ट में, y राइट में है तो राइट में, डन है भैया, हाँ ना। देखो ये ऐसे लिखा है, ऐसे रिग्रेशन इक्वेशन y डिपेंड्स ऑन x तो ये हो जाएगा y x, तो y x इधर y इधर x इधर, हाँ ना। सिमिलरली यहां पे आएगा, ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है, फ्रिज में रखना है दिमाग, खत्म, ऐसे ही बनता है इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब ये y डिपेंड करता है ना x पे, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा जाता है, ये बस याद रख लेना, कभी गलती से काम आ गया, ठीक है। x is equal to a plus by, अगर x depend करता है y पे, तो जो y की value रहेंगी, उसके बाद में x की value निकलेंगी ना, है ना, तो x is equal to a plus by। उसके बाद bxy और byx का formula क्या है, एक के formula याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। पहली चीज जो मैं बता रहा हूं वो bxy है ना, तो जो पहली वाली चीज आती है ये रहता है ऊपर, और जो सेकेंड वाली चीज आती है ये रहती है नीचे, ठीक है, डन है। बी एक्स वाई पहला फॉर्मूला, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्स वाई है ना, तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे, जो पहली वाली चीज रहती वो ऊपर, दूसरी वाली चीज रहती वो नीचे, ठीक है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। सिमिलरली बी वाई एक्स का कैसे बनेगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नीचे, आना यस और नो? तो पहला फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, बी एक्स वाई का। दूसरा फॉर्मूला क्या है बी एक्स वाई का, ऊपर कोवरेंस नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, कोवरेंस दोनों का सेम रहेगा एक्स वाई का या वाई एक्स का सेम ही रहेगा, तो कोवरेंस ऊपर नीचे क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, वही नलायक फॉर्मूला, जब एक्स और वाई की वैल्यू दी भी है इसके अंदर की जो ऊपर की चीज है ना सेम टू सेम है, देखो एक बार, देखो एक बार, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ वाई, और नीचे क्या लिखना है, नीचे भी वही लिखना है जो उधर था, बस रूट को गायब कर देना, पर यहाँ पे नीचे तो एक ही चीज आएंगी यहाँ पे, अच्छा तो नीचे क्या आती है सेकेंड वाली, वहां पे क्या आता था एन इंटू अंडर रूट में, अंडर रूट में लेते थे ना, यहाँ अंडर रूट नहीं लेना है, एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, खत्म बात, समझे क्या? तीन फॉर्मूले देख लो इसको एक बार भूर के देखो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब यही पे अगर आर के जगह पे मैं आर की वैल्यू डाल दू ना, कौन सी आर का फॉर्मूला था ना कोवरेंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो यहाँ पे आर के जगह पे अगर कोवरेंस की वैल्यू डाल दू तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला बनता है, करके चेक कर लेना। ये सेकेंड फॉर्मूला कैसे आया, पहले वैल्यू में, पहले फॉर्मूले में आर की वैल्यू डाली, ठीक है, और ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आया, ये पहले फॉर्मूले में आर की वैल्यू डाली बट दूसरे फॉर्मूले वाले, सर करके बताओ, भागो यहां से, नहीं बता रहा हूं, नहीं देखो पहले दीदी बोलती नहीं नहीं फालतू टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास बहुत काम है, ठीक है, वो पहले आप टाइम पास करते थे रेगुलर क्लास में, अलग बात थी, तब बहुत टाइम था, ठीक है, हमको चाहिए नहीं बोले डेरिवेशन, मत बताओ अपनी होशियारी, ओके। तो भैया फॉर्मूला क्या है बता दे, बी बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे। फिर दूसरा बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, आर के जगह कोवरेंस डालूंगा तो ऊपर हो जाएगा कोवरेंस एक्स वाई अपॉन नीचे क्या रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट नहीं रहेगा एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बी एक्स वाई का। सर आप बी, हम बी एक्स बी वाई एक्स का लिखते हैं, लिखो बोलो बी वाई एक्स का क्या आएगा, आर वैसे ही ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बी वाई एक्स, ऊपर क्या सेम कोवरेंस एक्स वाई ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तीसरा बी वाई एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाली चीज सेम नीचे क्या n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। लिखो ये फॉर्मूले एक बार, बिना देखे ये फॉर्मूले को एक बार लिखिए, ठीक है, बिना देखे ये फॉर्मूले को एक बार लिखिए। नहीं नहीं बुक में देखो, फॉर्मूले को बिना देखे लिखो, नालायक बिना देखे कैसे लिखो। सर आज तो आग ही लगा रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, रोज ही आग लगाता हूं मैं अंगार, ठीक आज आप देख रहे हो कितनी आगे लगाई रेगुलर क्लास में, आग पे आग, क्या बोला ज्वालामुखी चंद्रमुखी सूर्यवंशी मूवी देखी क्या तुमने, सूर्यवंशम सेट मैक्स पे आती थी वो, सेट मैक्स एक मूवी है सेट मैक्स पे, 300 बार आई होंगी, मैंने उसमें से 100 बार देखी। हाँ हाँ अमिताभ बच्चन वो हीरा ठाकुर, बाप रे, ठीक है लिखो भैया इसको लिखो, हाँ। अब देखो मैं बता दो आपको कर लेना क्या है,
क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उसको अपन क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां बोला है रिग्रेशन इक्वेशन बताओ, व्हेन एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज 13, आपको वाई निकालना है जब एक्स का वैल्यू दिए भाई। अब वाई कब निकालेंगे, जब एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है मतलब एक्स क्या हो गया इंडिपेंडेंट है, मतलब वाई डिपेंड करता है एक्स पे, तो यहां पे निकालना पड़ेगा वाई ऑन एक्स, ये दूसरे इसमें निकालना पड़ेगा एक्स निकालना है एक्स ऑन वाई, ये ऐसा समझ में आता है ना, जिसका वैल्यू दिया है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे का निकालना है मतलब आओ कि नहीं, देखो एक्स 13 दे रखा है मतलब एक्स क्या है इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे, तो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है मतलब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, बी एक्स वाई राइट में, नहीं 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 बी वाई ठीक है बी एक्स वन, अब क्या हो गया भाई इसको नेट बंद कर दूंगे, ठीक है ओके, क्या निकालना है ये एक्स वन वाई हो गया, वाई ऑन एक्स हो गया मतलब बी वाई एक्स निकालना है, तो राइट साइड में एक्स माइनस एक्स बार, लेफ्ट साइड में वाई माइनस वाई बार बराबर है, अब ये एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो ये एक्स की वैल्यू उठा के अपन यहां पटक देंगे, आया ना, एक्स बार आप निकाल सकते हो, बी वाई एक्स आप निकाल सकते हो, हाँ बी वाई एक्स आप निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार आपको दे रखा है, वाई बार आप निकाल सकते हो यहां से, ये इक्वेशन बन जाएंगी वाई के टर्म्स में, अभी निकालते नहीं बैठना है नहीं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा ये, ठीक है। अब देखो ये बनेगा कैसे, रुको रे भाई, ठीक है ये है क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है वाई ऑन एक्स, तो पहले इसमें क्या करेंगे y on x निकालना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y on x की, y x x माइनस x बार y माइनस y बार, ठीक है y बार की वैल्यू आपको निकालनी है, ये बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन्होंने कोवेरियंस के टर्म्स में दिए है, आपको जैसे निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है जैसे निकालनी है, मैंने तीन फॉर्मूले दिए निकाल लो आप, ठीक है ये यहाँ पे x माइनस x बार है, ठीक है ये x दे रखा है 13, x बार आप निकाल सकते हो, ये r की वैल्यू आप निकाल सकते हो, y बार आप निकाल सकते हो, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी फाइनली, फिर उसको थोड़ा इज्जत से सॉल्व करना है, ये अल्टीमेटली ऐसी इक्वेशन बनेंगी y की वैल्यू से, ठीक है ये y की वैल्यू, यही फोरकास्टिंग है, x दिया है y निकालो, ये क्या है फोरकास्टिंग है, x क्या हो सकता है, x मान लो एडवर्टीजमेंट है, y सेल्स है, तो अगर 13 रुपए की एडवर्टीजमेंट करी तो 15 रुपए 30 पैसे का आपका सेल होगा, ऐसा ये केस में ऐसा नहीं होता, ऐसे टाइप का समझा, कभी कभी आपको बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन बताओ, ये इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू नहीं दी रहेंगी उसमें, अभी एक्स की वैल्यू दी है ना, कभी एक्स की वैल्यू नहीं दी रहेंगी, दोनों में सेम स्टेप्स है, समझा गया, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग कि इक्वेशन कैसा है, वाई ऑन एक्स है एक्स ऑन वाई, फर्स्ट स्टेप क्या है आइडेंटिफाइंग इक्वेशन कैसा है, एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई करा कि इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, तो आप क्या करोगे पहली स्टेप क्या लिखोगे बोलो ना, बी वाई एक्स बराबर, ये राइट हैंड साइड में, इधर ये हमेशा याद रखना इक्वेशन के राइट हैंड साइड में बनता है, ठीक है इधर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, इधर आ जाएगा वाई माइनस वाई बार, अब इस टाइप के क्वेश्चन से ये बनने के बाद आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो आप बना सकते हो रिग्रेशन इक्वेशन, दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ y, क्योंकि x on y है ना, सॉरी y on x है ना, तो x की वैल्यू दी रहेगी when x is given, ठीक ये पहली स्टेप, ये अब सर इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये जो इतना बड़ा आड़ा तेरा क्वेश्चन है ये आता है नहीं यार, यहाँ x on y भी निकालने बोला है, y on x भी निकालने बोला है, एक मार्क के अंदर पूरा क्या मजे ले लेंगे ना, इतना नहीं मजे लेते, ठीक है बट ये लेते तो है भाई, लेते तो है, एक्स देख रखा है y निकालने बोल सकते हैं, दोनों का दोनों नहीं बोल सकते, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट अगेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 10th वाला, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने का है,
ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने का है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल है, जिस बच्चे को बालक को निकालना है वो निकाल सकता है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, बस एक बार वो लाल रखा है कि भैया ऐसा 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 अपना होता है, एक पूरा ओवरव्यू देने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन अपन क्लास में करेंगे, फाइंड डेटा, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस ऑफ टू शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। दो शेयर की प्राइसेस दे रखी है आपको और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उनका, शेयर दे रखा है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। एचडीएफसी के शेयर का मीन कितना है 44, आईसीआईसीआई के शेयर का मीन कितना है 58, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है दोनों का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है, आर इज इक्वल टू 0.48 दे रखा है भैया आपको। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइसेस ऑफ एचडीएफसी, एचडीएफसी की मोस्ट लाइकली प्राइसेस ढूंढना है आपको, मतलब मोस्ट लाइकली मतलब क्योंकि एकदम नहीं बोल सकते, एचडीएफसी की प्राइसेस बताओ। इससे जो आप निकालोगे, क्योंकि एक ही फैक्टर थोड़ी है, तो जो आप प्राइसेस निकालोगे मोस्ट लाइकली रहेगी, डेफिनेट नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको प्राइसेस ऑफ एचडीएफसी निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू द प्राइसेस ऑफ 60 ऑफ आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई की प्राइस, आईसीआईसीआई की प्राइस 60 रही तो एचडीएफसी का कितना रहेगा आपको ये निकालना है। मतलब क्या हो गया, इसको वाई मान लो, एचडीएफसी को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो आईसीआईसीआई की प्राइस डी भी है तो एक्स ऑन वाई हो जाएगा। और बाद में सेकेंड में देखो एचडीएफसी की प्राइस दे रखी है, आईसीआईसीआई की प्राइस निकालनी है, वाई ऑन एक्स हो जाएगा, तो बेसिकली दोनों करना है। मर गए, नहीं मरे इस क्वेश्चन में, नहीं मरे, क्यों बताओ क्या, यहाँ पे आपको आर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वाई का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया ये, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया ये, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, ठीक है, तो धब 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 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। देखो भैया कैसे, ये दे रखा है आपको ना, तो एचडीएफसी को अपन ने एक्स माना, इसको वाई माना, तो आपको क्या निकालना है, एचडीएफसी की प्राइसेस जब आईसीआईसीआई की प्राइसेस 60 है, आईसीआईसीआई मतलब वाई दे रखा है, तो ये निकलेगा एक्स ऑन वाई, आया ना पहले केस क्वेश्चन के लिए क्या निकलेगा, एक्स ऑन वाई, आया ना, तो बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार, आया ना, यस और नो, बी एक्स वाई कैसे निकालोंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, निकल जाएगा आपका, ये देखो बी एक्स वाई 0.42, वाई बार दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, हो गया बाद में, ये सुनो, सिंपल, वेरी सिंपल, पूरा दिमाग जगह पे रखने का, तमीज से, नहीं नहीं पूरा जगह पे रखने का, फ्रिज में नहीं, इसमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसमें जगह पे रखना है। देखो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, अब बी एक्स वाई, बी वाई एक्स कैसे निकालना, अब कोई बच्चा सोचो, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये डेटा है आपके पास, कोई बच्चा बोल रहा मैं बी वाई एक्स वाई तीसरे फॉर्मूले से निकालता हूँ, कौन सा, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन ऑफ वाई, तो उसका फ्रिज में नहीं, वो चले गया कबाड़ में जाएगा, फ्रिज में नहीं, तो दिमाग लगाना है यहाँ पे, जब मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं ना फॉर्मूले के, तब अपने को दिमाग लगाना, ठीक है, ओके। इसके अलावा बाकी कुछ खास बात है नहीं इसमें, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, मैन्युअली सॉल्व करना है तो मैन्युअली सॉल्व में रिविजन में नहीं करवा सकता, वो आप नहीं समझते हो, आप नहीं समझते हो तो आप डूब के मत रहो, ठीक है, ओके, ये हो गया। तीसरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज आपको हर जगह काम आए, ये काम आएंगी आपको से थ्योरी में, ये काम आएंगी आपको प्रैक्टिकल बनाने में, ठीक है, हर्षदा और उसके बाजू के सारे बच्चे सब सुनेंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट अनचेंज्ड होते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, मतलब चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है तो उसका आगे देखना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन ये यहाँ पे मैंने दे रखा है और उसके नीचे क्वेश्चन है, उसको बाद में बात करते हैं। सेकेंड चीज, जो दो रिग्रेशन लाइन्स होती है, रिग्रेशन लाइन बनाएंगे आप, एक बी एक्स वाई की बनाएंगे, एक बी वाई एक्स की बनाएंगे, हाँ, दोनों को अगर आप भिड़ा दोगे, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगे, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वो एक्स बार और वाई बार रहेगा, ठीक है, आपको दो रिग्रेशन लाइन दी रहेंगी एक्स और वाई के टर्म्स में, दोनों को अगर भिड़ाओगे, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगे, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो एक्स और वाई नहीं, वो एक्स बार और वाई बार रहेगा। तो ये चीज याद रखना कि टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मीन, एक्स बार और वाई बार पे मीन इंटरसेक्ट होते। तो होगा कैसे बता रहा हूं, अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको याद होगा, नहीं कराए तो मैं बता रहा हूं अब कैसा होगा।
जैसे ये यहां पे देखो, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, क्वेश्चन 12 में देखो, ये दोनों क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब आपको पूछा है अरिथमेटिक मीन बताओ एक्स और वाई, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो एक्स बार हो जाएगा और जो वाई की वैल्यू आएंगी वो वाई बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी की वजह से, टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट एक्स बार एंड वाई बार। ये जो 12 वाला क्वेश्चन है इसको अपन सॉल्व करने वाले अभी क्लास के अंदर, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। देखो अरिथमेटिक मीन भी ढूंढ लोगे, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स भी ढूंढ लोगे, वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लोगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर भी ढूंढ लोगे, सब कुछ ये क्वेश्चन में हो जाएगा। ये मास्टर का भी मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक ठीक। तो उसके पहले पर एक चीज समझ लेते, पांचट वाली, क्या है पांचट वाली, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर, आर की वैल्यू कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, याद है कि नहीं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का अंडर रूट ले लो, बी एक्स वाई बी वाई एक्स का प्रोडक्ट ले लो, उसका अंडर रूट ले लोगे ना तो आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, पर सामने प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस कब काम आता, अगर दोनों प्लस है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो आर भी प्लस रहेगा, दोनों माइनस है तो माइनस रहेगा, सर एक बार प्लस आए एक बार माइनस आए तो क्या करना, आएगा ही नहीं कभी आपके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू ये आपको याद रखनी है, इफ ये लिखा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निगेटिव रहे तो आर निगेटिव रहेगा, अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो आर भी पॉजिटिव रहेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। मुझे नहीं लगता कि सर आप जैसे कोई और नोट बना पाएगा, एक नंबर नोट बनाए हो आप, सर थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया, ठीक है। अब कोरिलेशन रिग्रेशन का एक क्वेश्चन आता, सॉरी रिग्रेशन में चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रख लो आप, आपको दिया रहेगा बी बाय एक्स। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से बैठ के, 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, रिलेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दी रहेंगी आपको, एक एक्स और यू की और दूसरी वाई और वी की, एक इक्वेशन दी है यू और वी की, दूसरी इक्वेशन दी है वाई और सॉरी यू और एक्स की, और दूसरी इक्वेशन दी है वाई और बी की, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, अभी इस पॉइंट के बाद में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दिमाग लगाने की सोच रहा है कि भैया अभी मैं देखता हूं क्या करना है, इट्स टू लेट ना, ठीक है ना, अभी नहीं करना, अभी दिमाग फ्रिज में रखना, जहां जैसे बोला वो करने का, ठीक है, जहां मल्टीपल ऑप्शन है वहां दिमाग लगाना है, बाकी दिमाग फ्रिज में रखना है, ठीक है। देखो क्या दिया रहेगा आपको, इफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड यू दे रखा है, क्या दे रखा है रिलेशन, यू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, y एंड v के बीच का रिलेशन, 2y प्लस 5b इज इक्वल टू 25, ठीक है। आपको क्या बोला है, एंड आपको बताया भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bx इज इक्वल टू 0.80। अब अगर bx दिया है ना तो हमेशा याद रखना b v u पूछेंगे इज इक्वल टू बताओ, ठीक है। अगर यही पे bxy देते थे तो b u v पूछते थे, कैसे याद रखना है सर इसको, देखो एक्स वाई यू वी, ये पहले पहले वाले दूसरे दूसरे वाले, ठीक है, एक्स वाई दिया है तो यू वी पूछेंगे, उल्टा दिया है वाई एक्स दिया है तो वी यू पूछेंगे, डन है भैया, ये डन है, यहां तक डन है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अपन क्या करते, कुछ भी नहीं करते, एक्स वाई का साइन सेम करते, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या करते, एक्स वाई का साइन सेम करते, फिर देखते यूवी का साइन, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दिया है चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट होता, रिग्रेशन में चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट होता, कोरिलेशन में दिया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से कोई इंपैक्ट नहीं होता, सिर्फ साइन बदलता है, यहां चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल ढूंढना पड़ेगा कितने से स्केल बदली है, करो चेंज ऑफ स्केल ढूंढ के बताओ कितना है, करो ना कोशिश तो करो, करेगा क्लास में तुमने चेंज ऑफ स्केल कितने से बदली आपकी। अच्छा सुन लो,
यू और बी दोनों की अलग अलग स्केल देखना है चेंज कर, एक्स का चेंज ऑफ स्केल देखना है, वाई का चेंज ऑफ स्केल देखना है, ठीक है ना। चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई, दो चीजें निकाल देते, ये फॉर्मूला है। देखो बी वी यू निकालना है ना आपको, वाई एक्स दिया है, वी यू निकालना है, तो बी वी यू का ये फॉर्मूला है। वी यू में क्या आएगा, बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू, ऊपर में वाई का स्केल, नीचे में एक्स का स्केल, याद रखना है। पर में जो पहली चीज आ रही है वो ऊपर, जो दूसरी चीज आ रही है वो नीचे, है ना। बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स। तो बेसिकली आपको अगर चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स और वाई निकालना है तो आपको यू और वी का वैल्यू निकालना पड़ता, आपको याद होगा तो यू और वी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, यहां से आपको यू और वी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन से यू और वी का वैल्यू निकालिए, लिखवा दूंगा मैं आपको, हाँ ना, यू और वी का वैल्यू निकाल, ठीक। देखो बी वी सॉरी क्या दिया रहेगा, बी यू वी पूछा हो सकता है या बी वाई एक्स बी यू पूछा हो सकता है, ठीक है। इधर सुन लो, छोड़ दो बी यू वी, बी वी यू, ये दोनों चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर यू वी पूछा है तो ऑब्वियस है बी एक्स वाई गिवन रहेगा, ये वी यू पूछा है तो बी वाई एक्स गिवन रहेगा, ठीक है। आपको गिवन रहेगा, क्योंकि गिवन नहीं रहा तो गंदा क्वेश्चन बनाना है, तो आपको बोल सकते हैं इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है काई से, चेंज ऑफ स्केल से, चेंज स्केल से, सीधा स्केल ऑफ, ऊपर काई का स्केल एक्स का, नीचे काई का स्केल वाई, यहां पे इनटू स्केल ऑफ वाई अपॉन स्केल ऑफ एक्स, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, स्केल मतलब क्या, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आया ना, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, ठीक है। अब ये मत बोलना ये थ्री स्केल है एक्स का, ठीक है। अगर वैसा भी बोलना चाहते हो तो उसके लिए भी चलता, पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां तो आपका थ्री आ जाएगा, देखो स्केल निकालना है ना आपको, स्केल ऑफ एक्स और स्केल ऑफ वाई निकालना है, तो उसके लिए आपको है ना दूसरे चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे यू इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो ये माइनस थ्री हो गया स्केल ऑफ एक्स, समझे क्या, यहां वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई की, टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव वी प्लस ट्वेंटी फाइव, बराबर है, वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू वी प्लस ट्वेंटी फाइव। तो ये हो गया स्केल ऑफ एक्स और ये हो गया स्केल ऑफ वाई, समझा। तो नीचे नोट लिख लो, नोट स्केल ऑफ एक्स फाइंड यू, फाइंड या राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू। स्केल ऑफ वाई के लिए क्या करना है, स्केल ऑफ वाई राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी, ठीक है। यही मैंने उल्टा कर दिया फिर तो, हाँ ये उल्टा हो जाएगा ना, फाइव वी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू वाई, वी इज इक्वल टू दीदी एक मिनट, पच्चीस बाय पांच माइनस टू बाय फाइव इन टू वाई, ठीक है। ये लिखा सही था, स्केल ऑफ वाई, ठीक है। ये लिख के रख दो, दिमाग फ्रिज में रख देना, ठीक है। यू का वैल्यू और वी का वैल्यू निकाल दिए, डन है, ये लिख लीजिए इसको। स्केल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत बढ़िया बेटा, हो गया। ये कर लेंगे अपन, क्या करेंगे, यू की वैल्यू निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब अपने को
ये तुम समझ रहे हो मेरी सर? अपन ने दो दो चीजें पढ़ी है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन। सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन में कुछ नहीं करना है, साइनें देखनी है, और डिस्पर्शन में भी लिखना पड़ता अपने को, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, हाँ कि ना? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, उसके सामने का जो है वो स्केल रहता। और रिग्रेशन में भी अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पर यहाँ एक्स और वाई नहीं, यहाँ यू और वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स का स्केल। अब देखो स्केल कितना है अपना, यहाँ पे ये आ गया माइनस टू। अपने क्या निकालना है, बी वी यू निकालना है ना, अपने क्वेश्चन में बी वी यू निकालना है। तो इट विल बी बी बाय एक्स, बी बाय एक्स कितना है 0.80 इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई कितना है माइनस टू बाय फाइव अपॉन ये कितना आ रहा है माइनस थ्री, माइनस माइनस गया, 0.80 इंटू टू इंटू थ्री अपॉन पांच, 0.8 इंटू सिक्स अपॉन पांच, 0.96 आ गया, नहीं नहीं कुछ अलग गया है, मैंने कुछ तो कहा कुछ गड़बड़ यह करा मैंने, 0.80 इंटू टू बाय 15, 1.6 बाय 15, 0.1067 आ गया। सेम सिमिलरली ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नया नहीं हो सकता है, देर कैन बी नो वेरिएशन इन दिस। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन जोरदार है, मजा आ जाएगी उसमें। ये है अगली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अगली, ठीक है। इसमें आपको क्या बोलिए भाई, दो वेरिएबल्स है, एक का रिग्रेशन इक्वेशन ये है, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन ये है। पहले तो सबसे पहले क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन बताओ। मैंने क्या बताया, अरिथमेटिक मीन कब निकलता है, जब दो रिग्रेशन इक्वेशन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना अरिथमेटिक मीन होता है, बराबर है। तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक्स का और वाई का वैल्यू निकालो, जो एक्स का वैल्यू आया वो एक्स बार हो जाएगा, जो वाई का वैल्यू आया वो वाई बार हो जाएगा। अगर दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मेरा ये आ रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स 3 और अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई 1। ठीक है, मैं आपको बेईमानी बताऊं, आपको ये चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जा सकते इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, आपको पूछे जाएंगे चारों में से एक क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस अज्यूम आपको पूछा गया अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, पहला कुछ ऑप्शन जो भी रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा 3,1, ये अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये एक्स बार है, ये वाई बार है, मतलब अपने लिए तो ये इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 1 है। पुट द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता वो मेरी वैल्यू है, बात खत्म, पैसा आज हम घर पे जाओ, नहीं करता सॉल्व। ठीक है, सॉल्व सिर्फ कॉस्टिंग के केस में करूंगा इक्वेशन, बाकी तो कहीं नहीं करूंगा, कसम खा रखी है मैंने, करना ही नहीं इक्वेशन, गधे लोग भी इक्वेशन सॉल्व करते, काहे करना है, कभी काम नहीं आता, मैंने जिंदगी में नहीं बनाया इक्वेशन, अब सीए बनने के बाद। ठीक है, हाँ ये बात अरिथमेटिक मीन निकल गया, आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। अब जो मैंने आपको पहले बताया था ना, सबसे पहले ये वाली चीज कौन सी वाली, ये वाई और एक्स वाली, अब काम आएगी। ठीक है, ऑप्शन ना निकालो दीदी, ऑप्शन मत करो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आपको पूछा है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बताओ, क्या बताओ, वाई ऑन एक्स बताओ। अगर लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन को मैं मान लेता हूं वाई ऑन एक्स, तो दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स ऑन वाई, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक बार कभी तो वाई ऑन क्वेश्चन आया था, दोनों में वाई ऑन एक्स था। ठीक है, मैंने करवाया था क्लास में। अब उसमें क्या होता है, नहीं नहीं दीदी मजाक कर रहे तुम, सही बात, अरे करा था भाई, नहीं करा था बोलते, हाँ करा था, बोले क्या फर्क पड़ रहा है अब सर। ठीक है, अच्छा सुन लो, आजा बॉक्स, मैं बता दिया ना अभी, हाँ। अब वाई ऑन एक्स से तो इससे क्या निकलेगा, बी वाई एक्स निकलेगा, एक्स ऑन वाई से क्या निकलेगा, बी एक्स वाई निकलेगा, बराबर है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई निकलेगा, बी वाई एक्स निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और उसका अंडर रूट ले लेना, क्या आएगा, आर का वैल्यू है। ठीक है, अगर गलती से ये आर का वैल्यू प्लस से वन से ज्यादा हुआ तो तुमने जो माना है वो गलत है,
तुमने जो माना है वो गलत है, याद है तुमको? करो भैया करो। अब काम आएंगी ये चीज जो मैंने बताई थी, अगर y on x मान रहे तो y निकलता है, x on y मान रहे तो x निकलता है। अब बोलो किसको क्या मानू बताओ, पहले वाले को मानता हूं, चलो पहले वाले को मैं मानता हूं x on y, दूसरे वाले को मानता हूं मैं y on x, ठीक है। x on y है मतलब x depends on y, तो ये क्या वैल्यू देगा मेरे को, x की वैल्यू देगा। y on x मतलब y depends on x, तो y की वैल्यू देगा, बराबर है। सर ये कहां से पता चलता है काय की वैल्यू देता है? अबे x on y है ना, तो ये इक्वेशन x के टर्म्स में होती है, तो इसको x के टर्म्स में लिखो, 7x is equals to 3y plus 18, x is equals to 3 by 7y plus 18 by 7, समझा? ऐसा लिखो, आप लिखो, आपको करना है, मेरे को नहीं करना है, मेरा एग्जाम हो चुका है भाई, कुछ भी मैथ्स ही कुछ काम का नहीं लगता, ठीक है, अच्छी बात है, अंधभक्त, आपका नाम ही अंधभक्त है, तो फिर सही चूंगा। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने माना 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। रुको रे भाई, रुको ठंडे पाओ, इसको क्या माना अपन ने, आपने क्या मनवाया मेरे को इससे, x ऑन y, ठीक है। दूसरा क्या है, 4x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, y ऑन x, तो इससे क्या बनेगा, x बनेगा, इससे क्या बनेगा, y बनेगा, ठीक है, बनाओ 7x, अरे कितनी बातें करते हो भाई तुम, 7x इज इक्वल टू 3y माइनस 18, x इज इक्वल टू 3y प्लस 18, 3 बाई 7y प्लस 18 बाई 7, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, y is equals to 4x minus 11, y is equals to 4x minus 11, डायरेक्ट आ गया x। अब मैंने बोला था आपको कि भैया जो y के आगे वाली चीज है ना, ये रहेगी b x y और ये रहेगा b y x, x on y है, इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, और जो y का कोएफिशिएंट है वो आपका रहेगा b x on y, बी एक्स वाई। फिर बता दे रहा हूं एक बार सुन लो, यहां से इसको एक्स ऑन वाई माना ना, तो इसको एक्स के टर्म्स में लिखना है अपने को, सारा का सारा एक्स निकालना है। जब आप इसको इस टर्म में लिख लोगे तो ये वाई का जो कोएफिशिएंट है वो आपका बन जाएगा बी एक्स वाई, और यहां पे आप इसको वाई के टर्म्स में लिखोगे तो एक्स के सामने वाला जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या बन जाएगा, बी वाई एक्स। कितना आया, बी एक्स वाई आपका आया 3/7, बी वाई एक्स आपका आया 4, बराबर क्या। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, एक्स वाई 3/7 इंटू 4, 3 × 4/7 ये आ रहा है आपका 1.71, इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 1.30, आर का वैल्यू आया। क्या आर कभी एक से बड़ा हो सकता है? नहीं, मतलब जो हमने माना वो गलत है, हमारे दिल में भगवान नहीं है, उल्टा है, मतलब ये x on y है, ये y on x और ये x on y, ठीक है। उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं पर हर बार रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसा रटने का नहीं है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लगता है बस, क्या तुमको ये याद था? नहीं था तो अच्छी बात है, नहीं था तो फिर गलत बात। आर कितना आया, ये 0.7/3 और 1/4, 7/12 का अंडर रूट 0.7637 है, आर आया 0.7637, ये ले दीजिए, बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, आपने x on y, y on x निकाल लिया, मतलब b x y b y x आ गया आपका, तो आप डायरेक्टली आर निकाल सकते हो। आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इन टू बी वाई एक्स, ये जो तीसरा रिलेशन दे रखा है मैंने यहां पे, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको ये चीज काम आएंगी आगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट है,
सब काम हुए, ठीक है। हाँ, ये रिग्रेशन इक्वेशन आपने ढूंढ ली है, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, मतलब आर निकालो। वो कैसे निकालेंगे? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट, ठीक है। फिर वराइज, भाई साहब वाह, मतलब पूछने वाले की हिम्मत तो देखो। वराइज ऑफ एक्स कितना है? 9। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बताओ, बोले तालियां बजाओ। वराइज ऑफ एक्स, वराइज क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, बराबर ना? मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वराइज का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3। वराइज ऑफ एक्स कितना है? 3। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बताओ। अरे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वाई आ गया आपका, ये बी वाई एक्स है आपके पास, इससे आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। करो भैया, देख लो एक बार, बी वाई एक्स आपको निकाले भाई, 7/3 है आपका, बी वाई एक्स 7/3 है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, आर ऊपर निकाली है ना आपने, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है वाई एक्स का, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई निकालना है, ये फॉर्मूला डालेंगे। मतलब गलती से सुन तो लो, अगर गलती से आपको ये चौथा सवाल पूछ लिया तो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पूछ सकते, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनके जालिमियत की कोई हद ही नहीं है भैया, ठीक, डन है भाई, ओके डन है। उसके बाद दो छोटी छोटी चीजें हैं जो थ्री के काम की है। अब अगर तू बजाना धो दूंगा मैं, छोटी छोटी चीजें जो थ्योरी के काम के, जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रोबेबल एरर वाला, ये हर बच्चा छोड़ के आता है कोरिलेशन रिग्रेशन। प्रोबेबल एरर आधे जगह पे तो लोग नोट्स में डालते भी नहीं अपने। प्रोबेबल एरर क्या है भैया? कितनी गलती हो सकती है? जैसे आपने बताया कोरिलेशन है, रिग्रेशन इतना है, तो भैया उसमें 100% सही है क्या? नहीं, वो लाइकली बेस्ट वैल्यू है, बट उसमें थोड़ी सी प्रोबेबल एरर है। तो इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि अपन जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल निकाल रहे हैं। अरे 10-15 ही नंबर ले रहे ना, कि 150 नंबर लेते हैं अपन पूरे के पूरे, सारे लिए क्या? नहीं, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो प्रोबेबल एरर का ये फॉर्मूला याद रखना है। एक चीज, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.674 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, वेयर आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, या नंबर जो भी है एन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, 0.674 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आया ना लंबा जाएगा, बट प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन आया और ये फॉर्मूला आपको याद है, तब कैसे आंसर आएगा? अब भी आगे लाके दिखा दो। क्या है फॉर्मूला? 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट एन, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये किसको भी याद रहता है, रूट एन, 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, ठीक है। ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, ये खैर ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला है। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और ये 0.67 है।